मूल्यांकन मुख्यतः लेखन कौशल का होता है और हैरत की बात यह है कि सामान्यतः हमारे कक्षा शिक्षण में सबसे कम ध्यान इसी पर दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर बच्चे लेखन कौशल के किसी प्रश्न को एक बार कक्षा में करते हैं तथा दूसरी बार मूल्यांकन के समय। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक संतुलित शिक्षण पद्धति के तीन मुख्य चरण होते हैं। नंबर वन, किसी नए शिक्षण बिंदु को कक्षा में प्रारंभ करना, इंट्रोडक्शन। नंबर दो, उसका विभिन्न तरीकों से अभ्यास कराना, प्रैक्टिस। नंबर तीन, आवश्यकता होने पर रिमेडियल टीचिंग कराना। समय समय पर हुए शोध बताते हैं कि यदि चरण क्रमांक एक एवं दो कक्षा में अच्छे से हो जाएं, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वर्तमान संदर्भ में लक्षित समूह के बच्चों की अंग्रेजी विषय की न्यून समझ के